अमृतसर पुलिस ने गोल्ड स्टोर में हुई चोरी का मामला सुलझा लिया है तथा इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है तथा इनसे दो बड़े गहनों की चोरी भी बरामद कर ली गई है। बताया जाता है कि ये दोनों आरोपी एक बच्चे के साथ स्टोर में आए थे तथा बच्चे को सोने के दो कंगन पहना दिए थे और स्टोर से फरार हो गए थे। पुलिस ने जांच शुरू करके आरोपियों की पहचान कर ली तथा उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि चंडीगढ़ में भी इन्होंने ऐसी वारदातें की थी तथा पंजाब के दूसरे शहरों में भी ऐसी वारदातें कर चुके हैं तथा दुकान के अंदर सामान की अदला बदली करके फरार हो जाते थे। शोरूम है मार रोड से गहने का, उत्थे दोनों मियाँ बीवी अपने छोटे बच्चे नूं लैके गए सी अते गहने वेखण दे बहाने नाल चलाकी नाल जे दो चूड़ियां बच्चे नूं पवा लईआं तो उत्थों ए चूड़ियां चोरी करके इस तरीके नाल आया है। ओह शोरूम दा जो स्टाक चैक कीता शाम नूं डेली ऑफ कर लग्गिआ, उदों उन्हां नूं चोरी बारे पता लगा ते उन्हां सीसीटीवी फुटेज देखिआ ते उन्हां दी ए चोरी जिहड़ी सामने आई उह सीसीटीवी फुटेज दे जरिए असीं इह दोनों नूं गिरफ्तार कीता, जिहदे विच करजीव कुमार रोफी हरिपुर रहिण वाला ते उहदी इक सैकंड वाइफ आ ते नाल छोटा बच्चा वा। बच्चे दा चलो की कसूर है, इन्हां दोनों मियाँ बीवी दा हैगी मोटरसपरेंडी के गहने दुकान ते जांदे आ ते गहने खरीदण दे बहाने नाल उत्थों गहने चोरी कर लैंदे आ जां इह कोई छोटे गहने जिहड़े आ सस्ते उह उन्हां नाल बदल लैंदे आ जी, छोटी चीज़ रख आउंदे, वड्डी चीज़ जां महंगी चीज़ उत्थों पा के लै आउंदे, इह चलाकी नाल इह चोरी करदे। पहलां जी पता लगा चंडीगढ़ विखे ते मुकदमा दर्ज आ, उह ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਕਦਮਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਪਾਖੋ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਰਜ ਮੁਕਦਮੇ ਐਰਕੀ ਜਾਇਲਕਸ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵੰਗਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੁਕਦਮੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾ 400 ਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਬਾਰਾਂ 13 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਦੱਸ। ਜਾਗਤੀ ਲੜਕੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅਮਨ ਮਾਹਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।